हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशन चैनल। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 10। इससे पहले लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं, इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट किया था। आपके बारे में साइकोमेट्री जो हमारे पास होता है उसके बारे में आपको बताया था, इस पर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, लाइक पीपीटी क्या होता है, WPT क्या होता है, और सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, सैचुरेशन कर्व क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है। इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसके आगे एक और हमारे पास टर्मिनोलॉजी है, एक और जो हमारे पास टॉपिक है जिस साइकोमेट्री के अंदर ही आता है उसको बोलते हैं सेंसिबल हीटिंग। इसके बारे में बात करेंगे कि सेंसिबल हीटिंग जो होती है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि सेंसिबल हीटिंग होती क्या है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते थे साइकोमेट्री का तो उसमें जो हमारे पास वर्टिकल्स लाइन होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, जो वर्टिकल्स लाइन होती है वो हमारे किसको रिप्रेजेंट करती है, सॉरी जो हमारे पास वर्टिकल्स लाइन होती है वो हमारे किसको रिप्रेजेंट करती है, वो हमारे DVT को रिप्रेजेंट करती है, मतलब ड्राइवर टेम्परेचर जो होता है उसको रिप्रेजेंट करती हैं, और जो हमारे पास इंक्लाइन लाइन होती है वो WVT को रिप्रेजेंट करती हैं, मतलब आपके पास बैकवर्ड टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करती है, जो कर्व शेप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को रिप्रेजेंट करता है, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को रिप्रेजेंट करती है, जो भी वर्टिकल लाइन होती है वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो सेंसिबल हीटिंग होती क्या है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये मैंने यहाँ पे एक साइकोमेट्रिक ग्राफ बनाया हुआ है जिसमें आपको एक सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई गई है, और हॉरिजॉन्टल लाइन आपको किसको रिप्रेजेंट करती है, वो DVT को रिप्रेजेंट करती है, और कोई इसमें लाइन है नहीं है। तो सेंसिबल हीटिंग क्या है, जब अपने स्पेसिफिक इम्यूनिटी मतलब W जो होता है उसको कॉन्स्टेंट रखें और अपने DVT की वैल्यू बढ़ाएं। यहाँ पे क्या है, DVT 15 से कितना हो रहा है, 13 की तरफ जा रहा है, 15 से 13 हो रहा है, मतलब हमारे पास जो DVT है ड्राइवर टेम्परेचर है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे कहते हैं हमारे एयर कंडीशन के अंदर क्या कहते हैं, हीटिंग जनरेट होने लग जाती है। ये जो हीटिंग जनरेट होती है इसी हीटिंग को सेंसिबल हीटिंग बोलते हैं। सेंसिबल हीटिंग क्या होती है, अगर हम अपने एक साइकोमेट्रिक ग्राफ पर आपके जो रिलेटिव सॉरी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को कांस्टेंट कर दें और अपने DVT की वैल्यू बढ़ाएं तो जो हीटिंग जनरेट होती है उस हीटिंग को हम सेंसिबल हीटिंग बोलते हैं। सेंसिबल हीटिंग में एक और चीज होती है, बिकॉज क्या आपको देख रहे थे हमारे पास क्या बढ़ रहा है, हमारे पास DVT कर्व का मीन DVT कर्व है, DVT कर्व की वैल्यू बढ़ रही है, 15 से कितनी हो रही है हमारे पास 13 हो रही है। इसी तरीके से क्या होता है, इंक्लाइन लाइन जो होती है इस तरीके से इंक्लाइन लाइन जो होती है इस तरीके की इंक्लाइन लाइन होती है उनको क्या बोलते हैं, WVT बोलते हैं। जैसे जैसे हम आगे मूव कर रहे हैं तो देखिए आपकी इंक्लाइन लाइन भी आगे आगे बढ़ती जा रही है, जो इंक्लाइन लाइन आगे बढ़ती जा रही है मतलब हमारे पास WVT भी बढ़ रहा है। तो अंडर द सेंसिबिलिटी के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो हमारे पास होता है WVT बढ़ता है, क्या होता है WVT, ठीक है, यानी कि WVT बैड वर्ल्ड टेम्परेचर की वैल्यू क्या है वो बढ़ने लग जाती है सेंसिबिलिटी को। एक और चीज आप देखिए, जब आप इधर से इधर मूव करते हैं तो जो हमारे पास कर्व होता है जिसको हम रिलेटिव चीज क्या होते हैं रिलेटिविटी बोलते हैं, तो ये आप देख रहे होंगे जो कर्व है वो क्या कर हमारे पास नीचे की ओर जा रहा है, जैसे हम इधर बढ़ते जा रहे हैं तो क्या होता है कर्व पर नीचे की, जैसे हम यहाँ से इधर की तरफ मूव करते कर्व के अंदर नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आप जब नीचे की तरफ मूव करते हैं तो आपको पता ही है कि ये जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर्व है तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो कम होने लग जाती है। तो सेंसिबल हीटिंग क्या होती है, सेंसिबल हीटिंग होती है कि जब हम अपने आपके स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को कॉन्स्टेंट कर दें, यानी कि W स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को कॉन्स्टेंट कर दें, तो लिखा भी हुआ है जब हम अपने स्पेसिफिक हमारे पास जो मीट हो स्पेसिफिक जो हमारे पास क्या होती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो होती है W अगर उसको हम कॉन्स्टेंट कर दें और अपने WVT का टेम्परेचर बढ़ाएं तो जो हीटिंग जनरेट हो रही है हमारे पास सिस्टम के अंदर उसको हम सेंसिबल हीटिंग बोलते हैं। सेंसिबल हीटिंग के अंदर दो चेंज और आते हैं, जब भी हम WVT बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है सॉरी DVT बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली WVT की वैल्यू बढ़ने लग जाती है, क्योंकि इंक्लाइन जो कर्व होता है वो भी आगे बढ़ने लग जाती है, इसलिए कहते हैं WVT की वैल्यू बढ़ती है जब हम DVT की वैल्यू बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, हमारे पास कर्व के नीचे की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो भी बढ़ने लग जाती है। तो ये तीन चार सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास सेंसिबल हीटिंग के अंदर आकर करती हैं। मैं फिर से आपको रिमेंबर करा दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे एक या दो तीन क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि सेंसिबल हीटिंग क्या होती है। सेंसिबल हीटिंग होती होती है कि अगर आप स्पेसिफिक इम्यूनिटी को कॉन्स्टेंट करते हैं मतलब W को किसी एक पॉइंट पर यहाँ पर करते हैं यहाँ पर करते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में काफ़ी सारे कर तीन कर हमारे पास यहाँ पर मिलेंगे। तो जब आपके स्पेसिफिक हमारे पास सॉरी जो हमारे पास ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है अगर हम इसको कॉन्स्टेंट करते हैं और अपनी DVT की वैल्यू बढ़ाएं मतलब ड्राइवर टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाते हैं तो हीटिंग जनरेट होती है, इस हीटिंग को स्पेसिफिक सॉरी सेंसिबल हीटिंग बोलते हैं। अंडर द सेंसिबल हीटिंग ये होता है कि हमारे पास WVT मतलब आपका जो बैक वर्ल्ड टेम्परेचर होता है उसकी भी वैल्यू बढ़ने लग जाती है
और तीसरा क्या होता है पास रिलेटिव यूनिटी, उसकी वैल्यू होती है ग्राफ में नीचे तरफ मूव कर होते हैं तो उसकी वैल्यू होती है नीचे नीचे की तरफ जाने पर। ये सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको एक बार क्लियर कर दिया कि सेंसिबिलिटी क्या होती है। आप इससे रिलेटेड आपके पास बुक्स है या कोई मटेरियल उसके आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए। अदर कोई अपनी प्रॉब्लम अगर आपके पास सेंसिबिलिटी से रिलेटेड आपके पास है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आपको आंसर दे देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।